इन्हीं का काम करता था। हम आग्रह करते हैं टीएन सिंह जी से परमानंद के हमारे में, हम परमानंद जी से आग्रह करते हैं परमानंद सर जी और साफ सफाई के मेंटेनेंस नहीं होने के कारण आप अपना भी बढ़िया सामुदायिक शौचालय बनवा दीजिए। वो कुछ दिन के बाद खंडहर बन जाते हैं, लोग वहां जाते नहीं है, तो निर्माण करवाना और नियमित रूप से साफ सफाई होना, ये दोनों भी ध्यान में रख के हम लोग को काम करना पड़ेगा। लेकिन करना तो हो, साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक परिषद अपने निमंत्रण पत्रों के माध्यम से जिन बातों को जिक्र किया कि भाई समाज में कई कुसंस्कार हैं, जैसे डाइन प्रथा, आजादी के इतने लंबे समय के बाद लोग जो विषय समाज में एग्जिस्ट नहीं करता है, लोग उसके पीछे पड़ के कई अनहोनी होते देखा जाता है, जो सरकार के स्तर से नहीं हो सकता, जो समाज के स्तर से ठीक हो सकता है। और इसीलिए सामाजिक संगठन वरिष्ठ नागरिक परिषद एक सामाजिक संगठन है, तो जो सरकार से नहीं हो पाएगा वो वरिष्ठ नागरिक परिषद के माध्यम से निश्चित रूप से हो पाएगा। इतने लोग हम लोग समेकित रूप से सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो कोई काम नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव, वरिष्ठ नागरिक परिषद शाखा जमशेदपुर और फोर्थ सम्मेलन यह किया गया था गोविंदपुर मैदान छोटा, जो किसी नाम के नाम से जाना जाता था गोबर मैदान, और उसको इस वरिष्ठ नागरिक के जो संगठन है आज इसे गोवर्धन पार्क में तब्दील कर दिया गया। तो यह सम्मानीय है कि संगठन अगर चाह लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ राम बल्लभ साहू जी हैं, और जो उनसे पूछते हैं कि आज का जो सम्मेलन है किन किन लोगों को मुख्य अतिथि बताए थे, और आज उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। आज का जो हम लोग का सम्मेलन है वो चतुर्थ सम्मेलन है। इस सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि माननीय भूतपूर्व मंत्री बिहार सरकार रामचंद्र सही जी थे। इसके विशिष्ट अतिथि परितोष कुमार सिंह जो यहाँ के पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जो विशिष्ट अतिथि सतीश चंद्र वर्णवाल भी थे जो टाटा मोटर्स के भूतपूर्व विभागीय प्रबंधक हैं, कार्मिक विभाग के थे, और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है रेखा रानी सरदार वो भी हमारी अतिथि के रूप में थी, और विभिन्न संगठनों से आए लोग हमारे यहाँ अतिथि थे। बहुत बड़ी संगठन है, क्योंकि बुजुर्ग समाज का वह हिस्सा होता है जिसकी एक्सपीरियंस सभी को ज़रूरत होती है। तो आप लोग अपने संगठन में किन किन लोगों को जोड़े हैं और कितने लोगों का संगठन है? जहाँ तक जमशेदपुर का स्तर का सवाल है तो यहाँ 2000 से अधिक सदस्य हैं, लेकिन गोविंदपुर क्षेत्र जो छोटा सा क्षेत्र है जिसमें 5 ग्राम पंचायत है, वो 5ों ग्राम पंचायत में 700 लोग सदस्य हैं। जो क्षेत्रीय समिति जिसका सम्मेलन हुआ इसमें 700 सदस्य हैं और सभी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मासिक बैठक होती है, यहाँ जन समस्याओं पर विचार होता है, वरिष्ठ नागरिकों की जो क्या समस्या है, उनके जीवन में जो समस्या आती है, कभी उनके भरण पोषण कल्याण का समस्या आ जाती है, कभी उनके उपचार की समस्या आती है, घर में उनको जो भावनात्मक एक सपोर्ट मिलना चाहिए बच्चों से वो नहीं मिल पाता है, कभी कभी उनके पुत्रों द्वारा संपत्ति पर अनावश्यक दबाव डाल करके लिखाने की बात कही जाती है, इन सारे दबावों में आज के वृद्ध जो हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो ज़िंदगी यापन करते हैं, उन तमाम समस्याओं को हम एड्रेस करते हैं। और जहाँ पर भी किसी तरह का पारिवारिक विवाद होता है तो हम लोग मिलजुल कर समझाने का काम करते हैं। आप लोग अभी तक अपने सॉल्व तक हमारे पास 42 मामले आए हैं जिसमें हमने 37 मामला सुलझाया है। कुछ 5-7 मामला ऐसा है जो जटिल है, जो संपत्ति विवाद से भी रिलेटेड है, वो प्योरली जो है
वरिष्ठों की खास करके समस्या नहीं, उस सम्मति बंटवारे का भी समस्या है। ऐसी समस्या को हम डालसा से सहयोग लेते हैं, उनकी मदद से उनका हम मदद करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ ही हम जो है प्रत्येक सप्ताह शनिवार को वैचारिक गोष्ठी चलाते हैं, जिसके तहत हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं कि वरिष्ठों को जीवन के इस पड़ाव पर अपने आदत में किस तरह की सुधार लानी चाहिए, ताकि वो परिवार के साथ और आगे की जिंदगी के साथ सामंजस्य बना के चल सके। बहुत अच्छा। वरिष्ठ नागरिक कदमा शाखा का गठन एक साल पहले राम बल्लभ साहू जी, अखिलेश्वर ताती जी और रामानुज शर्मा जी के मार्गदर्शन में हम लोग कदमा शाखा बनाए हैं, और हम लोग इनके निर्देश और इनका सहयोग से वरिष्ठ नागरिक का जो भी समस्याएं हैं उस हम लोग कोशिश करते और आगे भी संगठन से हम लोग मदद लेते रहेंगे, आशा हम लोग रखते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लास्ट में अंत हम उसी जो समाज को सिखाता है और समझाता है, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है। और उसी में यह एक लिखा हुआ था, बचपन खोया जमा और बुढ़ापा देख के रोया, जिसमें सभी पड़ाव को आपको आना है। जीवन को अंतिम पड़ाव जो सबसे अधिक होता है वरिष्ठ, या तो आप रो या तो समस्या को डट के पार कीजिए। जरा सोचिए वीर कुंवर सिंह जो 80 साल उम्र में भी देश का स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हैं, और आपने देखा होगा टीवी में वीडियो में छोटे छोटे जो जिनका एज है मैराथन का गोल्ड मेडल लेके आती है। समस्या का समाधान अवश्य होगा, बस उसको उस प्लेटफॉर्म में उठाना है और अपनी बात और विचार को सही जगह रखना है। वरिष्ठ जो अपने परिवार को, देश को, समाज को, कंपनी को बना दिए, क्या वो अपनी समस्या को नहीं सुधार सकते हैं? और उस समाज के लिए, उस जीवन के लिए जो अभी नौजवान है, बच्चे हैं, वह तो सोचते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है वरिष्ठ के लिए। ज़रा सोचिए कि यह 70 साल 80 साल इन लोगों ने पार कर लिया, आप तो 5 साल भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके साथ तो मोबाइल जुड़ गया है, इनके साथ तो समाज जुड़ा हुआ है आपके साथ। और जिस समय आप 70 साल 80 साल में होंगे तो खाली और खाली रहेगा, और याद आपको ज़रूर बताएगा, क्योंकि वरिष्ठ नहीं होता, सोच को आप चेंज कर दीजिए। हमें लगता है कि यह संगठन जमशेदपुर के लिए आईना है, समाज के लिए आईना है, देश के लिए आईना है, और इनसे कुछ ज़रूर सीखना चाहिए, समझना चाहिए। कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो इनके एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करना चाहिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार। Thank you.